लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आज इससे ऐन वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के कलबुर्गी में थे। कलबुर्गी मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन है। कांग्रेस अध्यक्ष के घर में ही कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितने भी कपड़े बदले, लेकिन उनकी करतूतें नहीं बदलती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना, ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है, इसका पता चल गया है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर मुफ्त बिजली के चुनावी वादे को लेकर भी निशाना साधा। चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन जवाब में जनता को बिजली की कटौती मिली, अंधेरा मिला। आज किसान पूछ रहे हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो खेतों में पंप सेट कैसे चलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर युवाओं को धोखा देने का आरोप भी लगाया। ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं है। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हाथ ऊपर कर दिए। कलबुर्गी के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चुनावी बिसात बिछ चुकी है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जाएगी, कांग्रेस पर पीएम मोदी के ये हमले और भी तीखे और तेज होते जाएंगे। करतूतें नहीं बदलती।